नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, ये एक शॉर्ट वीडियो है, इसमें सिर्फ ये हमने बताया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कहां कहां से आते हैं, सोर्सेस क्या क्या होते हैं, यूपी से कितने क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग एक बात जरूर बताइए, आप इसमें से इस टाइम प्रेजेंटली कितने क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में है। जो भी आपकी प्रिपरेशन का लेवल हो, अभी तैयारी करना चालू किया हो, पहले से कर रहे हो, कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं तो लिख के दिखाइए। सब पे फीडबैक दिया जाएगा, प्लस जीएस के 1, 2, 3, 4 के, 2018 के और 2019 के यूपीपीसीएस मेंस के मॉडल आंसर के साथ पूरा पेपर के एनालिसिस जल्द आपको यहां पे दी जाएगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में। फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे सारी पीडीएफ हमने दे दी है। ऑन द पिक्चर जैन वीडियो की पीडीएफ यहां पे दे दी गई है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। जीएस 2 पेपर के एनालिसिस देख लेते हैं, पीडीएफ मैंने यहां पे दे दी टेलीग्राम में, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहां पे जाके ये इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पढ़ना आपको जरूरी है। 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं 125 वर्ड के, 8 नंबर के होते हैं ये पर क्वेश्चन, 10 होते हैं 200 वर्ड के, ये 12 नंबर का होता है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, और प्लस उसमें जो है आप क्वेश्चन दिया होता है उसकी जगह दी हुई होती है, लिमिटेड जगह होती है, पहले की तरह नहीं होता है जैसे पहले आप अनलिमिटेड कॉपी ले सकते थे। कोई भी पेज अगर आप खाली छोड़ रहे हैं तो उसको स्ट्रक ऑफ करना जरूरी है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, ये पूरा पेपर में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन यूपी का है, वो भी शॉर्ट वाला पूछा गया है, 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है वो, और वो भी ऐसा क्वेश्चन है कि अगर कोई जनरल स्टडीज पढ़ता है, मेंस तक पढ़ने वाला पहुंचा है वो, तो आराम से उसमें कुछ पॉइंट जरूर लिख सकता है यहाँ पे। टोटल मिला के पॉलिटी वाला जो है इजी टू मॉडरेट है, क्वेश्चन काफी ऐसे हैं सब सारे के सारे जो करंट से रिलेट करके पूछे गए हैं, चाहे वो GS1 हो, उसमें भी ऐसे ही आए थे, GS2 में भी ऐसे आए, GS3 में भी ऐसे आए। करंट अफेयर की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेंस में सिलेक्शन के लिए। मेंस में GS 1, 2, 3, 4 में बेसिक वाला जो सिलेबस दिया है उसके पॉइंट आपको जरूर कवर होने चाहिए, लेकिन आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है। एक चीज और है इसमें हमने जो GS2 की प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया उससे हमने पूरे के पूरे पॉइंट उसमें कवर करा रखे हैं। GS2 की प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जो लोग भी 2020-21 की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला ये अटल भूजल योजना के ऑब्जेक्टिव और इंपैक्ट करने हैं, यहाँ पे बताने हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसमें लिखे जा सकते हैं सारे। ये वाला क्वेश्चन के मॉडल आंसर के साथ हम जल्द देंगे, टेंशन मत लीजिए, 2018-19 दोनों के साथ देंगे। उसके बाद फिर आपको बताना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, ये डायरेक्टली वीडियो में बताया गया है, अगर आप वो वीडियो भी देख लो आराम से सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये ट्रेडिशनल क्वालिटी सिविल सर्विसेज की होती है, मतलब सिविल सर्वेंट की न्यूट्रलिटी, इसको एक्सप्लेन करना है। ये भी बिल्कुल हमने जो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज वाला है उस वीडियो में सारी चीजें कवर करी हैं। मतलब GS2 की जिसने अगर प्लेलिस्ट हमारी देखी होती तो काफी सारे क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन वो सिर्फ बेसिक होता है, आंसर राइटिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, कल मैंने आपको बोला था मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, वही देखिए आया है यहाँ पे, क्योंकि लगातार जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी चीजें चल रही हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं इंडिया नेपाल के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में, ईरान और यूएस के बीच में, उससे यूएस इंडिया को क्या जो है इफेक्ट पड़ेगा, ये सारे जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे भी, ठीक है। सिटीजन चार्टर पे मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है, आपने देखा होगा जरूर, इसमें पॉइंट लिखे होंगे। ये वाला सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ यूपी। अब इसमें भी आप समझ सकते हैं कि इसमें यूपी वाले में भले ही आपको स्पेसिफिक पॉइंट ना पता हो, लेकिन आप कॉमन पॉइंट जरूर यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पे है कि जो फिलॉसफी है इंडियन डेमोक्रेसी की वो प्रस्तावना में सन्निहित है, ये प्रियम्बल वाला क्वेश्चन भी, प्रियम्बल की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इसमें। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की भैया एक्सप्लेन क्या होता है, डिस्क्राइब क्या होता है, क्रिटिकली एग्जामिन क्या होता है, क्रिटिकल एनालिसिस क्या होती है, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने बना रखा है एक वीडियो, उसमें जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अब आपको यही नहीं पता होगा तो कैसे इसको क्रिटिकली एग्जामिन करोगे, इसके बारे में पूरा वीडियो हमने दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट डायरेक्ट वहां से सवाल है। ये देखिए क्या होगा था कि जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो नाराज हो गए थे बीच में कि उनकी जो वहां पे काउंसिल है कि वो बार बार अपोज कर रहे थे वहां पे अपोजिशन वाले, तो उन्होंने पूरा का पूरा काउंसिल को ही अबॉलिश करने का यहां पे निर्णय ले लिया था, और हालांकि उनकी मेजोरिटी है तो इसलिए यहां पे इसलिए ये निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो ये वही पूछा गया कि भैया प्रोसीजर क्या होता है अबॉलिशन का, ये हमने पूरा कराया हुआ है, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की जो प्लेलिस्ट है उसमें सब कुछ कराया हुआ है। मतलब वही है कि अगर आप प्री में जब तैयारी करते हैं, प्री और मेंस, तो प्री और मेंस में भी जो लक्ष्मीकांत बुक है भैया वो एकदम बाइबल है, देवता है, वो जो वो बुक है वो बिल्कुल कंप्लीट है, कॉम्प्रिहेंसिव, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसका हमने पूरा प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और हम 6th एडिशन का जल्दी ही 11 अक्टूबर के बाद चालू करेंगे 2021 वालों के लिए, ठीक है। तो आप वो पूरा देखिएगा फिर से, उसमें वैसे ज्यादा अपडेट है नहीं, दो तीन चीजें अपडेट है, और आपको एक पॉलिटी का मैं पापा वीडियो दूंगा प्री वालों के लिए। फिर देखिए ये बताइए, ये देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये तो एक्सपेक्टेड था बिल्कुल, CAA NPR NRC पे तो क्वेश्चन आना ही था, मैंने आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक बताए थे। डिजिटल इंडिया ये तो इतने दिनों से चल रहा है, इसके पिलर क्या है, चैलेंजेस क्या है, अगर कोई हमारे जो है पिछले 2-3 सालों से फॉलोअर है आपको याद होगा डिजिटल इंडिया जो स्कीम आई थी उसके पिलर्स, चैलेंजेस, विजन के ऊपर मैंने एक ट्रिक बनाई थी, ठीक है।
तो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं। वैसे इसमें पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं, डिजिटल इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ फोकस है, हर चीज में जो है कैश को जो है प्रमोट नहीं कर रहे हैं, कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, सारी चीजें आजकल गवर्नमेंट की भी जो चीजें हैं उसको भी डिजिटाइज कर रहे हैं, इवन डॉक्यूमेंट्स वालों को भी जो है डॉक्यूमेंट भी आपको हर जगह नहीं दिखाने पड़ते हैं, डिजी लॉकर, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसमें सुगम में भारत अभियान, ये भी एक डायरेक्टली इसको पूछ ली गई, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। इसके बाद जो है यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप, ठीक है, ये क्या इसका इंडिया हकदार है, ये वाले पे मैं पूरा का पूरा वीडियो भी दे चुका हूं, कई बार इसको बताया भी जा चुका है, क्या इंपैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। वैसे मुझे लगता है काफी सरल पेपर है, बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, सरल दिखने से नहीं होता है, आप अगर लिखने बैठेंगे ना तो पॉइंट नहीं मिलेंगे। अगर आप पहली बार लिखने जा रहे हैं, अगर आपको लगता है ऐसा बहुत सरल है तो प्लीज एक बार लिख के देखिएगा, आप एक कमेंट करिए अगर आपको लगता है सरल है, सारे क्वेश्चन के आंसर लिख के दिखाइए, उस पर फीडबैक दिया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कॉजेज हैं ये यूएस और ईरान के टेंशन के, वही न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला जो चल रहा है, ईरान कहता है कि हमने बंद कर दिया है, ये कहते हैं कि नहीं तुमने नहीं बंद किया है, बार बार ये उछल के जो है इकोनॉमी के इकोनॉमिक सेंसेस लगा देते हैं, इसकी वजह से इंडिया के उसमें क्या इफेक्ट पड़ सकता है। बार बार देखिए यूएस कहता है कि भैया ईरान से तेल ना खरीदो, ईरान कहता है कि नहीं यार क्यों ना खरीदें, वो वाली चीजें हैं, इसका हम लोग मॉडल आंसर देंगे जल्दी, मैं अभी जो है क्वेश्चन बता रहा हूं सिर्फ। बोडो समस्या क्या है, ये भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड था यहां पे। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि भैया बोडो प्रॉब्लम है क्या, दूसरा क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा है डू यू थिंक दैट बोडो पीस एग्रीमेंट जो ये हुआ है ये क्या सही बात पीस और डेवलपमेंट ला पाएगा असम में, ये पूछा है। इवेल्युएट, तीन क्वेश्चन है यहाँ पे इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट में क्या होता है ये सब आप जरूर पूछ लीजिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा वीडियो दिया हुआ है हमने, क्या होती है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, बस वो वीडियो देख के आराम से हो सकता था। इमर्जिंग रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पर आप लोग प्लीज जरूर कमेंट करिए। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या रोल जो है, ये वाले क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, यूपीएससी से प्रभावित क्वेश्चन है ये। देखिए यूपीएससी के जो मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, अब ये लोग वही जो है ढूंढ के पूछ रहे हैं। जीएस वन वाले में भी दो क्वेश्चन आए थे, इसमें भी आए ऐसे, ठीक है। तो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन है वो हमने एनालिसिस दी हुई है स्टडी फॉर सिविल सर्विस में, आप देख जरूर लीजिएगा। राइट टू लाइफ जो है ये तो बहुत ही ज्यादा ऐसा टॉपिक है जिसपे सुप्रीम कोर्ट बार बार जो है इंटरप्रिटेशन देता रहता है, इसमें हर बार जो है राइट टू लाइफ वाला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाले में कोई ना कोई अमेंडमेंट जो है कोई ना कोई जुड़ता ही रहता है, कभी राइट टू प्राइवेसी जुड़ जाता है, इच्छा मृत्यु की डिमांड होती रहती है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होगा टोटल क्वेश्चन, ठीक है। और इसकी पीडीएफ मैंने दे दी, आप चाहे तो टेलीग्राम से कर सकते हैं, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है।